हाय फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड मतलब रक्त, सर्कुलेशन और परिसंचरण, यानी कि रक्त का परिसंचरण, यानी कि जो शरीर के अंदर रक्त का आवागमन होता ना, यानी कि हार्ट से बॉडी में जा रहा है, बॉडी से लंग्स में जा रहा है, लंग्स से हार्ट में आ रहा है, जो सर्कल चल रहा है ना, उसी को रक्त परिसंचरण बोलते हैं। तो इसमें कुछ ऑर्गन आते हैं, जो वो ये हैं, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ये तीनों इसमें मेन पार्ट है। ये सारी की सारी अहम भूमिका यही निभाते हैं। और अगर ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे, एक विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इनको इसको खोजा था, ब्लड सर्कुलेशन को, सन 1628 में। तो हम हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है और रेखित है। ये थोरेसिक कैविटी यानी बच्चुगा स्थल में दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, थोड़ी तरफ लंग्स की तरह थोड़ा झुका हुआ होता है ये। और ये जो थोरेसिक कैविटी होती है ना अपनी, जो उसमें रिब्स की संख्या होती है, ऐसे अपनी जो थोरेसिक कैविटी बनती है ना, तो उसमें रिब्स की संख्या होती है, जैसे 12 होती है ह्यूमन बींग में, और एनिमल की बात करें तो 13 जोड़ी होती हैं। तो उसमें भी 12 जोड़ी होती है एनिमल ह्यूमन बींग में, तो इसमें 13 जोड़ी होती हैं। तो इसमें ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो थर्ड से सिक्स रिब्स तक ये अपना सरफेस, अपना सतह एरिया घेरता है ये हार्ट। तो बोल सकते हैं कि ये थर्ड से सिक्स तक फैला हुआ होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर। और ये इसमें चार कक्ष होते हैं, चैम्बर बोलते हैं इनको, कोष बोलते हैं कोष। तो वो हैं राइट राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, जो आगे देखेंगे। तो इसके अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसकी संरचना देखेंगे। हार्ट की संरचना देखेंगे तो एक नॉर्मली रफली हार्ट बनाएंगे। हार्ट होते हैं, चार चैम्बर होते हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनके नाम है। राइट एट्रियम और ये वाला लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल, ए लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार चैम्बर होते हैं। और इन चैम्बरों को के मध्य में, यानी कि आट्रियम है दोनों, लेफ्ट और राइट, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के मध्य एक स्पेस वो होता है, एक लंबवत ग्रुप जिसको बोलते हैं हम, इसको जो देख रहा है जो, इंटर आर्ट्रिकुलर सेक्टम। ऐसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य ये बना होता है, इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सैक्टम। ये कहीं पर भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस चित्र को समझ कर ही क्लियर हो रहा है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, तो इसकी मीस वाली जो है ना ये दीवार, इसको इंटर आर्टिकुलर सैक्टम बोल रहे हैं। और ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य जो दीवार बनी हुई है ये, तो इसको इंटर वेंट्रिकुलर सैक्टम बोल रहे हैं। और इसमें होता है जो यहाँ पर एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ऐसे, और इसमें बाइकस्पिड वाल्व होता है, इसको
बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं इनको। और ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, ये मिट्रल वाल्व हो गया, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य जो वाल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य जो वाल्व होता है उसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये वाल्व के कार्य क्या है, यानी कि जो ब्लड आता है ना वो बताऊंगा मैं कैसे किसमें बहता है किसमें नहीं बहता है कहाँ कहाँ निकल के जाता है। तो इनका जो वाल्व है ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, तो ये क्या करते हैं, यानी कि ये जो वाल्व बने हुए हैं दोनों ट्राई और बाई, ये दोनों ब्लड में के अंदर जो बैक फ्लो होता है ना, जो बैक फ्लो उसको रोकते हैं। यानी कि जैसे ही इसमें ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के द्वारा, जैसे ही इसमें ब्लड आएगा तो यहाँ पर भरेगा, जैसे ही फुल हो जाएगा, जैसे ही ये भरेगा, तो जैसे ही ये फुल होगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे वो स्ट्रक्चर बन जाएगी, और जैसे ही इसमें ब्लड आना स्टार्ट होगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा, फुल हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको बैक फ्लो यानी कि बैक यानी कि पीछे की तरह इसको ब्लड का जो प्रेशर है ना वो बैक ना हो जाए, इसीलिए इसको बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व इनके ये कर रहे हैं। अभी हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में की, अब हम हार्ट के लेयर दे और देखते हैं। हार्ट की यानी कि हृदय की परत, यानी कि हार्ट की तीन लेयर होती हैं, जिसमें से पहली है पेरिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम, लास्ट है एंडोकार्डियम। ठीक, ये पेरिकार्डियम जो है ना हार्ट का भारी आवरण होता है, जैसे अभी जैसे ये कोई हार्ट है इसका ये भारी आवरण, ये पेरिकार्डियम वाला है। तो ये क्या करता है, हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है भारी आघातों से। और इसके दो भाग होते हैं, जिसका फर्स्ट है पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। तो ये इनके मध्य क्या होता है, ये पेराइटल पेरिकार्डियम विसरल पेरिकार्डियम होता है ना, इनके मध्य एक स्पेस होता है, स्पेस होता है जिसमें एक सीरस सैक बड़ा होता है। ये सीरस सैक का काम क्या होता है, जो हार्ट में फ्रैक्शन होता है ना उससे सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि बचाता है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरता होता है, यानी कि इन दोनों के मध्य एक स्पेस होता है जिसमें सीरस सैक भरा होता है, इसमें सीरस भरा होता है जो हार्ट को फ्रैक्शन से रोकता है। ठीक, अब है मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम मसल्स का बना होता है, बीच वाली परत होती है बस, वही एंडोकार्डियम लास्ट वाला पार्ट होता है, हार्ट का अंदर वाली व्यक्ति होती है, एंडोकार्डियम बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो हम समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। वैसे ही ये अपना हार्ट है जिसके चार चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसके चार चैम्बर हो गए। अभी मैंने बताया था पहले, ये इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व हो गए और इसमें बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व हो गए। अब ये हार्ट है, यानी कि दोनों फेफड़ों के बीच में हार्ट होता है, ये तो बताइए। तो इनके साइड में ये लंग्स, एक एक लंग्स हो गए ऐसे, इधर अब ये है पूरी स्ट्रक्चर। अब ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कहानी हमारी यहां से स्टार्ट होती है लंग से,
लंग से प्योर ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा, इसको महासिरा बोलते हैं। प्रत्येक लंग्स से यानी कि हर फेफड़े से दो पल्मोनरी वेन निकलती हैं, इधर से भी आएंगे दो और इधर से भी दो आएंगे। दो पल्मोनरी पल्मोनरी वेन निकलती हैं। इनसे शुद्ध रक्त हृदय के लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम के मिटर वाल्व द्वारा ये ओपन होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जो यहाँ पर एक सेमिनल वाल्व होते हैं, सेमिनल वाल्व, उसके सेमिनल वाल्व और यहाँ पर ये निकलती है एक धमनी अरोटा, इसको महाधमनी बोलते हैं। अरोटा ये बॉडी में ले जाती है ब्लड को, बॉडी में यानी कि सेमिनल वाल्व होता है यहाँ पर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और सेमिनल के बीच में ये सेमिनल वाल्व होता है अरोटा के बीच में, तो यहाँ से जो ब्लड है ना बॉडी में आता है अरोटा के माध्यम से, अरोटा के द्वारा ये आगे जाके जो अरोटा है ना महाधमनी, ये छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है, आर्टेरियल में बढ़ जाती है, तो यहाँ से बॉडी में पंप कर दिया जाता है और ये बॉडी के ऑर्गनों में चला जाता है। बॉडी के ऑर्गनों में जाते 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 ये ब्लड अपने यहाँ पर चला जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व पर आता है, ट्राइकस्पिड वाल्व वही सिस्टम करता है बैक फ्लो वाला। ये जैसे ही ये फुल हो जाता है तो यहाँ पर आता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल के द्वारा ये यहाँ से निकलती हैं दो वेन दो पल्मोनरी धमनी निकलती हैं, तो एक लंग्स में जाती है दर के लेफ्ट राइट वाले लंग्स में, और एक जाती है लेफ्ट वाले लंग्स में। तो यहाँ से ब्लड आया लंग्स में गया, लंग से और इधर से गया तो भी लंग्स में गया। अब देखो फिर दोबारा से वही प्रक्रिया हो रही है स्टार्ट। लंग्स से शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन है उसके द्वारा आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल अरोटा के माध्यम से बॉडी में पंप कर दिया गया, बॉडी ऑर्गनों को ले गई, ऑर्गनों से फिर राइट हृदय के ही राइट एट्रियम में आया, ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में एक एक धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त लंग्स में ले आया गया, लंग्स ने फिर वही क्रिया, यानी कि ऐसे ही पूरी प्रक्रिया चलती रहती है बॉडी में। इस प्रकार से बॉडी में सर्कुलेशन होता है। आपको एक बार दोबारा से और बताने की कोशिश करता हूँ, क्लियर हो जाएगा एक बार भी थोड़ी स्पीड में। ये दोनों लंग्स हैं, इन दोनों लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध रक्त हृदय के लेफ्ट एट्रियम में लाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, यहाँ से ब्लड पंप होता है, यहाँ पर सेमिनल वाल्व लगे होते हैं इनके द्वारा ब्लड पंप होता है तो अरोटा में आता है, अरोटा छोटी छोटी जाके छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है, धमनियों से ब्लड बॉडी को पंप कर दिया जाता है, बॉडी के ऑर्गन बॉडी में आता है, बॉडी के विभिन्न ऑर्गन में आता है, फिर यहाँ से ऑर्गनों एक डक्ट द्वारा यहाँ पर हृदय की राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से फिर यहाँ से ओपन होते हैं वाल्व, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल के द्वारा ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकली हुई होती है, एक लेफ्ट राइट को जाती है, एक लेफ्ट को जाती है, तो ये लेफ्ट वाले को राइट वाले की तरफ ले जाती है ब्लड को, ये राइट लेफ्ट वाले ये अशुद्ध आ रहा है इसमें, और ये यहाँ से प्योर होकर के फिर यहाँ से ऑक्सीजनित रक्त ब्लड में जाता है, बस यही है और कुछ नहीं। इस ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत मेन चीज और है जो हमेशा कंपटीशनों में पूछी जाती है कि किस किस में कौन सा रक्त बहता है, कैसा बहता है, तो यानी कि जो अपनी वेन होती है ना सिरा, उनमें तो अशुद्ध रक्त बहता है यानी कि अशुद्ध, और जो पल्मोनरी वेन होती है ना ये इसका अपवाद है, तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है, जो भी मैंने बताया था लंग्स से हार्ट में आ रहा था ब्लड, और ये अपनी आर्टरी धमनी इसमें हमेशा ही शुद्ध रक्त बहता है, बट एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो इसमें अशुद्ध रक्त बहता है।